हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होम मेन्यू जो है उसमें रिबन में जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने अपनी पहले वाली फाइल ही खोल दी है। जो भी इफेक्ट डलता है, मैंने पहले बताया था कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डलेगा। मैं इसको इतने एरिया को सेलेक्ट कर रही हूँ, मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद होम ऑप्शन पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे हमें राइटिंग स्टाइल चेंज करनी है तो हम यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ से ए ऑप्शन जो अवेलेबल है, बड़ा ए छोटा ए, वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैंने जितने भी इफेक्ट डाले हैं, अगर मैं मिटाना चाहती हूँ तो इरेजर, क्लियर फॉर्मेटिंग, जो इफेक्ट अभी मैं डालना सिखा रही हूँ वो फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, यही होता है, तो हाइलाइटर यूज़ करना। तो इनको अगर हटाना है तो मैं सीधा क्लियर फॉर्मेटिंग इरेजर पर क्लिक करूँगी, सारे इफेक्ट हट जाएंगे। देखो पहले जैसा ही हो गया सब टेक्स्ट। अब मैं और इफेक्ट डाल के दिखाती हूँ तुम्हें, जैसे कि बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा डार्क लिखना, इटैलिक, हल्का सा तिरछा, अंडरलाइन, टेक्स्ट जो लिखा है उस पर अंडरलाइन करना, ये इफेक्ट भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा चेंज केस, चेंज केस का मतलब होता है जो भी लिखा है उसे लोअर केस में चेंज करना, यानी छोटे ए बी सी डी में। या फिर अपर केस में चेंज करना, लोअर केस, अपर केस, सब बड़े में लिखना, छोटे में लिखना, टोगल। तो ये इफेक्ट हम यहाँ से डाल सकते हैं। सेंटेंस केस में लिखना, ये देखो मैं यहाँ से डाल के दिखा देती हूँ तुम्हें, यहाँ से लोअर केस, सब लोअर केस में चेंज हो गया। ये देखो अब सब अपर केस में चेंज करना है तो सब बड़े लेटर में चेंज हो गया। या फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये भी होता है कि हर एक लेटर, हर एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाए। टोगल केस में उल्टा होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर छोटा हो जाए। सेंटेंस केस जो नॉर्मली लिखा जाता है वैसे लिखना है हमने, मतलब सेंटेंस केस का मतलब पहला लेटर बड़ा और सारे छोटे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। हाईलाइटर, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड अगर हमें डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर से यहाँ पे कलर लिया और सीधा उस हाईलाइटर को चला दिया। ये देखो यहाँ पे ये कलर अप्लाई हो गया। अब जो भी लिखा हुआ है हमने, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना, यहाँ ए सिंबल से, यहाँ से कलर ले सकते हो, मोर कलर से ले सकते हो, यहाँ से कोई भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। इन ऑप्शंस के अलावा ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्क्रीन के लेफ्ट में हो, सेंटर में हो या राइट में हो। सेलेक्ट करा टेक्स्ट यहाँ से, ऐसे लेफ्ट में हो, सेंटर में हो, राइट में हो, इस तरीके से हम इन अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हैं स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उनको। तो ये ऑप्शंस रहेंगे हमारे फाइल, सॉरी होम मेन्यू जो है उसके रिबन में, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो।